कितना टाइम बचे है? फटाफट 10 मिनट का बचे है बस। चलो हो गया, और एक बच्चा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या चीज हो रही है? यहाँ पे हम प्लेटी अलमेंथिस के कुछ जीव देख रहे हैं ना, कुछ जीव। तो उसमें सबसे पहले क्या है? प्लेनेरिया है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डुजेसिया भी बोलते हैं, है ना, प्लेनेरिया। अच्छा, प्लेनेरिया के लिए कोई एक इसका इसकी विशेषता बताओ जो तुम लोगों को पता हो, सबसे अच्छी विशेषता या जो सबसे ज्यादा सुनी हुई है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। पुनरुत भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता इसके अंदर में सबसे अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है? यहाँ इसकी संरचना थोड़ी सी याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर क्या चीज हो रही है? आई हो रही, फिर आई के बाद में क्या हो रहा है? एक भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, वो ऑरिकल्स कहला रहा है। फिर माउथ के पास में ही फेरिंग्स होता है और ये इसका श्वसन अंग होता है। फेरिंग्स के द्वारा वो क्या कर रहा है? यहाँ से गैस एक्सचेंज कर रहा है और ये कहाँ होता है? माउथ पे, माउथ के पास रहता है और शरीर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है। फिर जेनाइटल पोर उपस्थित रहता है, जनन अंग नीचे की ओर उसके पार्श्व मतलब किस भाग पे रहता है? पोस्टीरियर साइड में इसका जेनाइटल ऑर्गन रहता है। और माउथ और फेरिंग्स भी कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर भाग पर रहते हैं। बाइलेटरल सममिति पाई जाती है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, तालाबों में रहता है। और जो कि इसका अभी बताया कि कुछ जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑरिकल्स पाए जा रहे हैं, उसकी जहां पर आई रहती है उस वाले भाग पे बाकी जो शरीर रहता है वो कैसा रहना है? फ्लैट रहना है। ठीक है सर, प्लैनेरिया में बाइनरी फिजन होता है ना? हाँ, वो सारी चीजें कर सकता है ना, बाइनरी भी कर सकता है। और मेन तो उसमें वही रीजनरेशन पाया जाता है कि वापस से वो कोई भी उसका पार्ट अगर इतना सा भी भाग अगर यहाँ से कट के अलग हो गया, उससे पूरा का पूरा वो प्ले एक नया प्लेन एरिया बना लेगा। बाइनरी फ्यूजन नॉर्मल कंडीशन में करता है, और ये वाली जो कंडीशन होती है ये तो कोई अनसुटेबल कंडीशन आई है उसके लिए कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट वगैरह गिर गया है, नहीं कर पा रहा है, तो वो छोटे पार्ट करके अलग हो जाएगा और फिर नए नए प्लेन एरिया का निर्माण कर लेता है। फेरिंग्स के लिए याद रखना है, माउथ के पास में ही फेरिंग्स रहता है और एक नली के जैसी संरचना बाहर निकलती है और इसी के द्वारा ये क्या कर रहा है? ये गैसों का एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, फिर इसका जो शरीर रहता है वो शरीर क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर, धड़ और पूंछ तीनों भाग में यहाँ पे बटा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, कोई भी प्रकार का खंडीकरण नहीं पाया जा रहा उसमें, है ना।
फिर लास्ट चीज आती है प्लेन एरिया में नियोब्लास्ट कोशिकाएं रहती है, मतलब इसका जो शरीर होता है वो काय का बना होता है, नियोब्लास्ट कोशिका। नियो का मतलब होता है न्यू सेल जनरेट करने वाली सेल, है ना। तो नियोब्लास्ट का सेल्स पाई जाती है, जिसके कारण हर एक सेल के अंदर में उसमें क्या रहना, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी सेलों के अंदर में रहना है। तो अगर इसकी एक कोई पार्ट जिस अलग हुआ, उसकी अगर एक सेल भी अगर अच्छी रह गई, तो वो वापस से क्या कर लेगा, एक नया प्लेन एरिया बना लेता है। तो प्लेन एरिया में जो रीजनरेशन होता है वो नियोब्लास्ट सेल के कारण होता है। ठीक है, चलो ज्यादा आगे चले गए। अगली चीज आती है यहां पे लीवर, लीवर फ्लूइड है ना, फिशियोला हेपेटिका, फिशियोला हेपेटिका, ये लीवर फ्लूइड। तो ये कहां पर रहता है, लीवर सेल के अंदर में रहता है। और लीवर हमने लीवर को हम क्या बोलते हैं, हेप्टस भी बोलते हैं। तो हेप्टस का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुजाकार चपटी जो संरचना रहती है उसको क्या बोलते हैं, हेप्टस बोलते हैं। और ये जो हेप्टस वर्ड है ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है फ्लूक, ये फ्लूक कहाँ पे रहता है, लीवर सेल के ऊपर अटैक करता है, उससे वहां से न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है। और ये यहाँ पे सकर है इसके अंदर में, ये क्या हो रहा है, उस लीवर सेल के साथ में अटैच हो जाता है और उससे न्यूट्रिएंट मटेरियल लेने लग जाता है। मतलब उसमें जो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसको नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर रहता है, लीवर के अंदर में प्रेजेंट रहता है और लीवर के सेल्स को नष्ट करते रहता है। और जो फिर इसका जो बाकी का जो शरीर हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, माउथ रहना है। ये कौन आया, डिलीट आशीष, क्या उपस्थित रहना है, माउथ रहना है, सकर उपस्थित रहना है। यहीं पर एक और पोर उपस्थित रहता है, ये जेनाइटल पोर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होना है, इसमें एक जेनाइटल पोर उपस्थित रहना है, जननांग उपस्थित रहना है। फिर इसमें चूसक जो रहता है वो, ये जो सकर बना हुआ है यहाँ पे, ये जो सकर है ये कैसे है, यहाँ से पांच भागों में डिवाइड रहता है ना, पांच भागों में डिवाइड रहता है। और किसी भी सेल, मतलब किसी भी सेल नहीं, लीवर सेल के साथ में अटैच होने में हेल्प करता है उसको। ठीक है, फिर लास्ट चीज आती है, ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। और जो उत्सर्जन होता है इसके अंदर में वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, फ्लेम सेल के द्वारा। ठीक है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, याद रहेंगी इतनी चीजें लीवर फ्लूइड की। यस फिर यहाँ पर अगला है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक है, ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये जो मेन अगर पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है, सुअर के मांस में। और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फीताक्रमी, टेप वॉर्म भी इसी को बोलते हैं ना। तो अब हमने अभी बताया था कि इसका जो हेड रहता है वहां पर क्या उपस्थित रहता है, मेन तो याद रखो, ये सब कैसे है, परजीवी है। जो मेन रहता है ये कहाँ पर रहता है, सुअर के मांस में रहता है और मनुष्य की छोटी आंत में, प्राथमिक जो छोटी आंत है उसके अंदर में उपस्थित रहता है। और जो इसकी अपनी जो छोटी आंत हो गई वो इसके लिए क्या रहती है, प्राथमिक पोषक रहती है। मतलब ये सबसे पहले अगर कहीं पाया जाएगा तो छोटी आंत में पाया जाएगा, वहां से पोषण वगैरह प्राप्त करता है। ठीक है, प्राथमिक पोषक में पाई जाती है, मतलब हमारी छोटी आंत में। अब प्राथमिक पोषक और द्वितीयक पोषक, मतलब प्राथमिक पोषक का मतलब यहाँ पे ये चीज हो रहा है कि वो पार्ट बॉडी के जहां से सबसे पहले फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो वो जो हमारी छोटी आंत है उससे भी हमारे अंदर में न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है, प्राथमिक पोषक में पाया जाता है, मतलब ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। और जो दूसरी, जो जैसे जीव हो गए है ना, जैसे मवेशी वगैरह हो गए, गाय भैंस हो गई, तो उसके अंदर में ये क्या रहना है, या सुअर हो गई, तो उसके अंदर में ये लार्वा अवस्था में रहना है, अवस्था में रहता है। ठीक है,
और जब ये लार्वा अवस्था में इन जीवों के अंदर में रहता है तो वो जीव किससे जहां से वो पोषण प्राप्त कर रहा है वो क्या कहलाते हैं, मध्यवर्ती या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्रियल कहलाते हैं, मतलब द्वितीयक पोषक कहलाते हैं। जब ये लार्वा अवस्था में होता है और वहां से उस मवेशी या उस जानवर के अंदर उसके शरीर के अंदर से जब वो पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसे दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है, टेप के जैसा है, रिबन के जैसा है, इसमें यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से खंड नहीं पाए जाते हैं ना। कैसे है, यहाँ पे स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है, जो फ्रेगमेंटेशन है वो स्यूडो मेटामेरिज्म है, मतलब ऐसा लग रहा है बाहर से इसके अंदर में खंड उपस्थित है लेकिन यहाँ पे खंड किसी भी प्रकार के कोई खंड उपस्थित नहीं है, ठीक है। फिर ये भी कैसा रहना है, उभयलिंगी रहना है, नर जननांग मादा जननांग दोनों एक ही के ऊपर में उपस्थित रहना है। जो इसमें क्या होना है, फिर टेस्टिस रहना है, टेस्टिस से क्या होना है, मेल गैमेट का निर्माण हो जाना है और जो ओरी है उसके अंदर में एक का निर्माण होना है, फिर उसके अंदर में भी गर्भाशय रहता है, वहां पर वो निषेचित होता है, फिर उसमें लार्वा अवस्था बनती है, वो लार्वा फिर शरीर से इसके बाहर आ जाता है। तो दोनों प्रकार के प्रजनन अंग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। फिर दूसरी चीज, इसमें पाचन तंत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो पाचन तंत्र जब उपस्थित नहीं है तो ये क्या कर रहा है, भोजन को अवशोषण विधि द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन को अवशोषण द्वारा ग्रहण करता है। श्वसन अनॉक्सी श्वसन होता है, क्योंकि ये क्या है, परजीवी है, तो ये क्या करना है, अनॉक्सी श्वसन करना है। हमने बोला था जो परजीवी रहते हैं वो अगर यहाँ पर अगर बॉडी के बाहर या बाहर साइड में नहीं है तो ये क्या करना है, यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन प्रदर्शित करना है। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन में सेम वही चीज जैसे बाकी में हो रहा था, यहाँ पर भी क्या होना है, ज्वाला कोशिका उपस्थित रहना है और वो यहाँ पे उत्सर्जन का कार्य करना है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है निषेचन। हम बोल रहे थे यहाँ पे उभयलिंगी है, दोनों जननांग उपस्थित है, भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है, तो वो जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है उसके चारों ओर में क्या होना है, एक कवर का निर्माण हो रहा है और एक अंडे जैसी संरचना बन जाती है और अंदर साइड में क्या रहता है, उसका लार्वा रहता है, वो विकसित होता है। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। अगली चीज इसमें एक खास चीज आती है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई आर्म उपस्थित नहीं, आर्म मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी भुजाएं उपस्थित नहीं है, सिर्फ क्या रहता है, सकर उपस्थित रहता है शरीर के ऊपर, एक्स्ट्रा संरचना जो शरीर से थोड़ी सी क्या हो रही थी, बाहर की ओर निकली हुई रहती है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर में उपस्थित नहीं रहती है। जो और जो ठीक है, इतनी कि शरीर के ऊपर में कोई भी बाहरी संरचना उपस्थित नहीं होती है। फिर अगर ये मस्तिष्क में चले जाता है तो नेक्रोसिस करके एक रोग होता है, वो उत्पन्न करता है, उसमें नर्व सेल को वो डैमेज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कुछ प्लेटिएलमेंथिस के नाम है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं किस के, और उनके जो सामान्य नाम है वो क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, है ना, ये इतने याद रखने हैं, इतने याद रखने। हो गए, यस सर, बता भी दिए थे मैंने, यस सर। Gracias.